Yes, question from JEE 2021 again. क्या कह रहा है? If f(x) is equal to 5x to the power 8 plus 7x to the power 6 upon x square plus 1 plus 2x to the power 7 whole square. Square आता है मतलब highest power इसकी 14 तक पहुंच गई. तो जब भी higher degree question होते हैं हम क्या करते हैं? Denominator या numerator, वैसे तो technically दोनों में से, but फर्क बहुत है. इसकी highest degree 8 और इसकी highest degree 14 है. तो ऐसे केस में आप डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री निकाल के सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करते हो. आपको इस तरह के मैं ऑलरेडी 2 से 3 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ इन माय रेगुलर क्लास, जिसमें बताया गया था कि आपको हाईएस्ट डिग्री निकालनी है. सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सेकंड हाईएस्ट डिग्री निकालनी है. याद है ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना. जैसे इस केस में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 7 to the power 2, 14. और सेकेंड हाईएस्ट डिग्री 4 है, और 4 का मेरे को निकालने का कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा क्लियर कट, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज गैप. ठीक है, वो जनरली सेकेंड हाईएस्ट डिग्री होता है कि अगर 7 के साथ 6 भी होता तो शायद मेरा क्वेश्चन उससे बन पाता. तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं. ठीक है बच्चे, आइएगा. अगर अब इस इंटेग्रल में अगर इसको आई ही ले लें 5x to the power 8 plus 7x to the power 6, नीचे क्या कॉमन निकला? x की पावर 14. वेरी गुड. जब x की पावर 14 निकला बेटा, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, x का स्क्वायर टेक्निकली तो 7 निकला है ना, तो अंदर क्या रह गया? x की पावर माइनस 5. क्या रह गया? 1 बाहर है तो क्या आया? x की पावर, ये स्टेप समझ आ रहा है? और क्या बचा? 2 होल स्क्वायर. आई होप दिस इज ओके. अब ये x की पावर 14 दोनों से डिवाइड कर दो. तो डिवाइड करते ही मेरे पास बना 5x की पावर माइनस 6 एंड 7x की पावर माइनस अपॉन x की पावर माइनस 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर. अब थोड़ी सी चीजें आपको विजुलाइज कराऊं. x की पावर माइनस 5 की डिफरेंशिएशन माइनस 5x की पावर इसका नेगेटिव, x की पावर माइनस 7 की माइनस 7 x की पावर, बन गई बात. ये क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव क्लासेस में भी किए हैं, कहानी समझो. तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखो बस. मरता, मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन में मरता ही वो बच्चा जो कॉन्सेप्ट भूल जाता है. इतनी बड़ी पावर्स के रेगुलर क्वेश्चन दिख रहे हैं, नहीं पावर 2 पावर 3 हद पावर 4, जब पावर 7 8 14 10 पे जा रहा है तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अब मैं इसको क्या ले लूं बेटा? t, और ये माइनस dt है. कर लोगे इतनी सब्स्टिट्यूशन तो आंसर क्या बना? t 1 अपॉन t स्क्वायर, इसका मतलब t की पावर माइनस 2. तो आए मेरे पास बन चुका है, ध्यान से देखना, माइनस बाहर dt का, t की पावर माइनस 2 dt. यस और नो? t की पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 1. तो ये बन गया मेरे पास, माइनस का प्लस बन गया, 1 अपॉन t प्लस c. आई होप दिस इज ओके. कुछ गलत तो नहीं किया हमने? ठीक है, तो टेक्निकली मेरा इंटेग्रल बन गया बेटा, या fx बन गया मेरा 1 अपॉन t की जगह क्या लिखूं? x की पावर माइनस 5 प्लस x की पावर माइनस 7 प्लस 2, जिसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन x की पावर 5 1 अपॉन x की पावर 7 प्लस 2. यस और नो? बोलो जी. जिसे एलसीएम लेके x की पावर 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आया? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x की पावर 7. यहां तक सबको क्लियर है बेटा? बोलो. प्लस सी. तो दिस इज माई एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ x. यस और नो? अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई हैं. सबसे पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन एफ ऑफ जीरो. बेटा एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू जीरो, जीरो 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 एंड वन. तो गलती से अगर ये वन ना होता तो क्वेश्चन नॉट डिफाइंड में चले जाता. तो ये जीरो अपॉन वन, जीरो दे गया प्लस सी. एफ जीरो जीरो है, इसका मतलब जीरो प्लस सी की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब सी भी क्या आ गया? जीरो आ गया. यस और नो? अब किसकी चर्चा? एफ ऑफ वन की. एफ ऑफ वन मेरे को दे रखा है के. एफ ऑफ वन का मतलब क्या बना? इसमें पुट करो 1 की पावर 7 1 1 प्लस 1 प्लस
टू इज इक्वल टू वन अपॉन के, सॉरी नॉट के, तो वन अपॉन के, तो वन अपॉन फोर इज इक्वल टू वन अपॉन के, तो के क्या आ गया, सो दैट इज माई ए पार्ट। समझे कहानी, इजी, करिए नोट।